लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान। चिराग पासवान 14 में जमुई सांसद बनते हैं। जमुई एक कहीं ना कहीं एक पिछड़ा क्षेत्र था लोग, लेकिन चिराग पासवान के सांसद बनने के बाद वही जमुई विकास की राह पर अग्रसर हो गया। चिराग पासवान जमुई के ही तर्ज पे कहीं ना कहीं हाजीपुर को एक विकसित क्षेत्र बनाने में लगे हुए साथियों। चिराग पासवान पहली बार 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद बनते हैं। रामविलास पासवान वहां से 7 बार सांसद रहे साथियों। कहीं ना कहीं 7 बार सांसद रहने के बावजूद रामविलास पासवान ने हाजीपुर के लिए कई बड़ी बड़ी कार्य किए साथियों। लेकिन चिराग पासवान भी उसी कार्य को देखते हुए कहीं ना कहीं हाजीपुर को और बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाने में लगे हुए साथियों। कहीं ना कहीं चिराग पासवान भारत सरकार में मंत्री भी हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में चिराग पासवान ने बताया कि बिहार को इस बजट में बहुत कुछ मिला है साथियों। बता दें कि चिराग पासवान ने बताया कि केंद्रीय बजट से कहीं ना कहीं बिहार और हमारे क्षेत्र जमुई हाजीपुर को तमाम विभिन्न जिलों को पूरी तरीके से विकसित करने वाला ये बजट है साथियों। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की बातों को विपक्ष ने कई बार प्रहार करते हुए कहा कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी बचाने की बजट है साथियों। इस पर चिराग पासवान का ही पलटवार हुआ। चिराग पासवान ने बजट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बात कर दी साथियों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए ये बजट कहीं ना कहीं आने वाले समय में बेहद ही मजबूत करेगा साथियों भारत को। चिराग पासवान ने बताया कि हमारे बिहार और बिहारियों को लेकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जो गवर्नमेंट एजेंडा में मेरे जो बात कही गई थी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं मेरे मंत्रालय के द्वारा बिहार को देखते हुए कई बड़ी बड़ी कंपनियों को लगाना हाजीपुर में, जैसे केले का होता है उसके चिप्स की पैकेजिंग के लिए होता है, उसका चिराग पासवान हाजीपुर में इस कंपनी का निर्माण करने के लिए भी बात कर साथियों। तो देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान 2024 में जो हाजीपुर सांसद बनते हैं, इसके बाद भारत सरकार में चिराग पासवान पहली बार मंत्री बनते हैं बने देखते हैं कि चिराग पासवान बिहार और बिहारियों के लिए अपने क्षेत्र हाजीपुर के लिए क्या कुछ करते हैं। लेकिन लगातार इस पर हम रुट करते रहेंगे, चिराग पासवान के कार्यों को लेकर, चिराग पासवान की पार्टी को लेकर, चिराग पासवान के बयान को लेकर साथियों। तो अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान और आप देख रहे हैं बिहारी पहचान। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।